हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीआर किराना बिजनेस में। फिर मैं लाया हूँ एक और नई वीडियो। गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे किराना दुकानदार भूलकर भी न रखें अपनी दुकानों पर ऐसे दो सामान, मात्र 2000 की लागत में आपकी दुकान बर्बाद होने वाली है। बहुत से ऐसे किराना दुकानदार हैं जो अभी रो रहे हैं ये चीज करके जो आप कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आग लगाने वाली है। बहुत से ऐसे कम दुकानदार हैं जिनको ये चीजें नहीं पता है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके और आप इस चीज से बच सकें। जो उन दुकानदार के साथ में हुआ है वो चीजें आपके साथ में ना हो, आपकी पूरी दुकान कैसे बर्बाद हो रही है। बहुत से दुकानदार हैं जिनको ये चीजें नहीं पता थी, लास्ट में क्या हुआ, उनकी दुकान बर्बाद हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो तरफ, जानते हैं कि मात्र 2000 रुपए के चक्कर में अपनी दुकान कैसे बर्बाद कर देते हैं उन दुकानदार जिनको ये चीजें नहीं पता होती है। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि देखिए आपकी दुकान कहां पर है, ये पर डिपेंड करता है आपकी दुकान किस लोकेशन पर है, आप दुकान कहां करके बैठे हैं, गांव में या मोहल्ले में या फिर मार्केट में, आपकी दुकान कहां पर है और वहां पर क्या चीजें आपको रखनी चाहिए, जिसकी वजह से जो ये दिक्कतें इन भाइयों के साथ में हुआ है ये चीजें आपके साथ में ना हो, नहीं आपकी भी दुकान बर्बाद होगी। इतना सारा पैसा लगा यानी लाखों रुपए लगा के 2000 के चक्कर में आपकी दुकान पूरी बर्बाद हो सकती है। देखिए बहुत से किराना दुकानदार ऐसे हैं अब जिनको ये चीजें नहीं पता होती है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ किराना दुकानदार ऐसे होते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए अपनी दुकान में नया नया चीज ऐड करते हैं, है ना। अब उनको ये चीजें नहीं पता होती है कि हम अपनी दुकान में क्या चीजें ऐड करें जिससे हमें नुकसान ना हो, है ना, वो चीजें ऐड करना चाहिए। इसी वजह से जो दुकानदार बर्बाद होकर बैठे हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता थी वो तो अपनी दुकान में ये चीज़ ऐड कर लिए, अब उनको ये नहीं पता है कि ऐड करने से अपनी दुकान में ये चीज़ मैं ऐड करूंगा तो आने वाले समय में हमारी दुकान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ें नहीं पता थी वो जो आज 2000 चक्कर में 2000 के लालच में लाखों का दुकान बर्बाद करके बैठे हैं। देखिए अगर आप एक किराना दुकानदार हैं, सबसे पहली बात कि आप जब भी कोई भी सामान अपनी दुकान में ऐड करें यानी कोई चीज़ ऐड करें अपनी सेल बढ़ाने के लिए, सबसे पहले आप एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या चीज़ ऐड कर रहे हो ताकि आने वाले समय में आपको ये चीज़ से नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए आप कोई भी सामान अपने दुकान में ऐड करें, देखिए हर कोई करता है अपने सेल बढ़ाने के लिए, है ना, तो आप भी कर सकते हो, लेकिन ये सब ऐड करने से पहले आपको एक बार जरूर जानना चाहिए कि हम क्या चीज़ें ऐड करें अपनी दुकान पर, है ना। सबसे पहली बात देखिए बहुत दुकानदार ऐसे होते हैं कि सबसे पहले इस समय पेट्रोल ज़्यादा रखते हैं। अब आप बोलोगे भाई पेट्रोल तो हर कोई रखता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इससे क्या नुकसान होने वाला है ना पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल हर रोज़ बिकने वाला है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको दिक्कतें कहाँ से होंगी और कैसे होंगी, क्योंकि देखिए यही वजह है जो मिनिमम 20 लीटर आता है 2000 के करीब में आता है, लेकिन उसी 2000 के चक्कर में ये जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल गाँव में चलता है, जैसे कि देहात हो गया अभी गांव में चलता है, जो मार्केट होता है जो शहर होता है वहां पर अलाउ नहीं है ये चीज़ें, अलाउ सिर्फ यहां पर है गांव देहात में आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो पेट्रोल, क्योंकि आप शहर में ये चीज़ें कभी नहीं ऐड कर सकते हो, है ना। 2000 के चक्कर में अब क्या होता है पता है, 2000 के चक्कर में आपके पास लाइसेंस है GST है या नहीं है, ये यानी कि अगर आप सेफ रहते हो फिर भी आप पकड़े जाते हो इस चीज़ से। जो आपका कंप्यूटर कांटा होता है आपके पास उसका GST है, आप पे करे हो या नहीं करे हो, है ना, उसके साथ साथ में आपको ये दिक्कतें होती है, जांच पड़ताल होता है पुलिस वाले करते हैं, और उसके साथ साथ में आपके पास GST है या नहीं है सब कुछ देखते हैं। 2000 चक्कर में आपकी पूरी दुकान बर्बाद होती है तो ठीक है, नहीं तो और भी सामान है जैसे चिप्स वगैरह कुरकुरे ऐसे कुछ आइटम है जो कि एक्सपायरी होता है उसके चक्कर में, वो भी चिकन होता है, इसकी वजह से आपकी पूरी दुकान बर्बाद हो जाती है। तो जिनका किराना दुकान शहर में है दिल्ली मुंबई में, उनको ये चीज़ें पता है कि वहाँ पर आप अपनी दुकान पर पेट्रोल कभी नहीं ऐड कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है। ये बात सही है या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते होंगे, दिल्ली से आप रहने वाले होंगे या फिर मुंबई शहर से होंगे तो आप जरूर बताइएगा कि वहाँ पर आप पेट्रोल ऐड कर सकते हो या नहीं ऐड कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस चीज़ को जान लेते हो ना तो समझ लो किराना दुकान की जो मैन राज है आप इस चीज़ को जान पाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं जो गाँव में दुकान करके बैठते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होती है कि गाँव में क्या चीज़ ऐड करें, कौन सामान रखें जो हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं कि 1 रुपये और 50 पैसा मिलता है लेकिन उसमें लागत बहुत लगती है, है ना। अब जो नए दुकानदार होते हैं जो गांव में दुकान करके बैठे हैं, अब उनको ये इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको ये चीज़ें नहीं पता है कि हम अपने दुकान में क्या ऐड करें, कितनी बिक्री में रखें जो हमारा यहाँ पे सेल हो सके, जो कस्टमर की नीड होती है, जो कस्टमर की मांग होती है वो इस चीज़ को ले सके, है ना, ये देखी जाती है। अब देखिए जो गाँव में किराना दुकान ओपन करके बैठे हैं, अब जो नए दुकानदार हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती है ना, कोई भी सेलमैन आ गया अब उनको छिपा के चला गया, अब जैसे ब्रेड हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 रुपये बिक्री ब्रेड है, अब इसमें 15 वाला भी आता है, 20 वाला भी आता है, 30 वाला भी आता है। अब इस सोल्यूशन में आपकी दुकान आउट एरिया में यानी गांव में मोहल्ले में, अब गांव वाले इतनी महंगाई में वो चीज़ें 30, 35 और 40 रुपये ब्रेड कभी नहीं खा पाएंगे, वो 10 रुपये का और 15 रुपये के लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये के ले सकेंगे। अगर आप सोचो कि 30 रुपये का या 40 रुपये का या 60 रुपये का ब्रेड लेंगे तो कभी नहीं लेंगे। तो इस सोल्यूशन में क्या होता है, क्योंकि देखिए किराना दुकान में चूहे अक्सर होते हैं,
चूहे खाते रहे नुकसान करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यानी कि 2 रुपये यानी कि 2.5-3 रुपये चक्कर में जो आपको 2.5-3 रुपये मिलने वाला है, उससे कहीं ज़्यादा जो आपकी पूंजी है, जो आप लगा के बैठे हैं ब्रेड में, वो आपकी जाने वाली है ना। तो जब चूहा काट देता है तो ये कोई काम का नहीं होता है, ये इस पर यानी कि जो ये ब्रेड होता है ये वापसी तो होती है, लेकिन अगर चूहा काट लिया, नुकसान कर दिया, तो उसका वापसी नहीं होता भाई। तो आशा करता है इस वीडियो के माध्यम से मेरी बताई गई जानकारी से आप सहमत होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।